अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारे पास जो रिब्स का टॉपिक है फॉर एक्स वन में, इसके बारे से डिस्कस करेंगे। एज यू नो कि हमारी बॉडी में जो है ना 12th पेयर ऑफ दी रिब्स होते हैं, ठीक है। ये 12th पेयर कितनी बन जाएंगी, 24 पसलियां बन जाएंगी, ठीक हो गया। 12th पेयर ऑफ दी रिब्स ये हमारे पास थोरैक्स रीजन में मौजूद होते हैं। इनका फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जो इंटरनल हिस्सास हैं लाइक हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनीज वगैरह हो गए, जो कि निहायत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं। तो इनकी जो प्रोटेक्शन है और उनकी कवरिंग जो है ना, ये हमारे पास रिब्स कर रही होती हैं, ठीक। ये हमारे पास रिब्स को हम तीन कैटेगरी में मेनली डिवाइड करते हैं। ये हमारे पास होगी 12th रिब, ठीक है। 12th रिब्स को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है ट्रू रिब्स, नंबर टू पे होती है हमारे पास फॉल्स रिब, और थर्ड में जो हमारे पास होती हैं वो होती हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक हो गया। अब ट्रू रिब्स को ट्रू रिब्स क्यों कहा जाता है, फॉल्स रिब्स क्यों कहते हैं, और फॉल्स जो फ्लोटिंग रिब होती हैं वो क्यों कहते हैं, इसका मतलब अब ये है कि ये जो हमारे पास अपर रिब्स होती हैं, अपर सेवन रिब्स, ये डायरेक्टली जो है ना हमारे पास स्टर्नम जो हमारे पास बोन होती है थोरैक्स में, उसके साथ कार्टिलेज के साथ जो जॉइंट बनाकर स्टर्नम के साथ डायरेक्टली जो है ना ये कनेक्टेड होती हैं, तो इस वजह से इनको टू रिब्स कहते हैं। निचली जो 8th, 9th और 10th रिब होती है, ये डायरेक्टली जो है ना स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, बल्कि इनकी जो कार्टिलेज होती है वो 7th रिब्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। ये हमारे पास 7th रिब, इसके साथ ये अटैच होगी, तो इस वजह से इनको फॉल्स रिब कहा जाते हैं। अब लास्ट वन जो 11th एंड 12th रिब बचती है उसे फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। उसे फ्लोटिंग रिब क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो है ना फ्रीली हमारे थोरैक्स रीजन में प्रेजेंट होती हैं, वो उनके साथ कोई कार्टिलेज अटैच होकर स्टर्नम के साथ नहीं लग रहा होता, ना ही दूसरी रिब्स के साथ लग रहा होता है, वो डायरेक्टली जो है ना हमारे पास अपने कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा के साथ अटैच होती हैं, इस वजह से उनको फ्लोटिंग रिब कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमने डिस्कस कर लिया, 12th पेयर ऑफ रिब अटैच होंगे पोस्टेरियरली टू दी थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक है। इंटीरियरली इसमें जो है ना कार्टिलेज के साथ ये ज्वाइंट बनाकर स्टर्नम के साथ कनेक्ट होती हैं। तीन कैटेगरी हमने डिस्कस की, टू रिब्स, फॉल्स रिब और फ्लोटिंग रिब, ये हमारे पास होगी रिब की कैटेगरी। अब रिब को अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर हम दो कैटेगरी में फर्दर डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है टिपिकल रिब, और दूसरी जो हमारे पास होती है वो एटिपिकल रिब होती है। टिपिकल रिब में जो है ना फीचर जो रिब की होते हैं वो बिल्कुल कॉमन फीचर होते हैं तमाम रिब्स में जो भी इस कैटेगरी में आती हैं। उनमें सारी जो रिब्स होंगी उनमें जो है ना हेड, नेक, ट्यूबरकल, शाफ्ट और एंगल जो है ना सेम होंगे, उसकी जो ओसिफिकेशन है वो भी सेम होगी, ठीक है। और जो एटिपिकल रिब या नॉन टिपिकल रिब होती हैं उनकी जो ओसिफिकेशन है वो हर रिब की डिफरेंट होती है दूसरी रिब से, इस वजह से उनको एटिपिकल या नॉन टिपिकल रिब कहते हैं, और जिसकी कॉमन फीचर होती है उन्हें टिपिकल रिब की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। अब टिपिकल रिब की जो कैटेगरी है उसे देखें तो उसमें हमें नजर आता है ये हमारे पास हो गया हेड, उसके दो फेसेट होती हैं, नेक हो गई, हेड और ट्यूबरकल के दरमियान जो कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन बन रहा होता है उसे नेक कहा जाता है। ये प्रोमिनेंस हमारे पास होगी ट्यूबरकल, ये हमारे पास होगी रिब की शॉफ्ट, ये एंगल का पॉइंट हो गया, ये उसका जो है ना सुपीरियर बॉर्डर, और ये नीचे वाला जो है ना शार्प थिन इंफीरियर बॉर्डर, ये हमारे पास हो गया। और यहाँ पे कॉस्टल ग्रूव होता है जहां से हमारे पास जो वेन बन रही होती है, वेन मीन वेन आर्टरी और नर्व, यहां से जो है ना वो गुजर रही होती हैं, ठीक है। इसमें जो है ना हेड की बात करें तो हेड जो है ना टू फेसेट रखता है जो कि आर्टिकुलेशन में हेल्प करते हैं विद देयर कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी एंड अबव ऑफ इट, ठीक है। ये हमारे पास जो फेसेट होता है ये वर्टिब्रा जो उसका होगा कोरस्पॉन्डिंग रिब का उसके साथ अटैच होता है, और ये जो रिब हमारे पास हो गया फेसेट ये उससे अबव इमीडिएटली ये कनेक्ट करवा रहा होता है, ज्वाइंट बनवा रहा होता है, ठीक है।
नेक्स्ट इसमें नेक है, नेक जो है ना कंस्ट्रिक्टिव पोर्शन सिचुएटेड बिटवीन द हेड एंड द ट्यूबरकल। ट्यूबरकल में देखें तो ट्यूबरकल एक प्रोमिनेंस होती है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द रिब एट द जंक्शन ऑफ द नेक एट द शाफ्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास नेक का जंक्शन बनता है शाफ्ट के साथ, वहां पे एक प्रोमिनेंस होती है जिसे हम ट्यूबरकल का नाम दे रहे हैं। शाफ्ट, शाफ्ट जो होता है एक थिन और फ्लैटेंड होती है और ट्विस्टेड होती है ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। ठीक है, थिन होगी, फ्लैटेंड होगी और ट्विस्टेड होगी ऑन इट्स लॉन्ग एक्सिस। इसका जो इंफीरियर बॉर्डर होता है वो उसमें जो है ना कॉस्टल ग्रूव हमें नजर आता है। ये हमारे पास शाफ्ट का इंफीरियर बॉर्डर हो गया, यहाँ पे हमें कॉस्टल ग्रूव नजर आ रहा है। एंगल, एंगल की बात करें तो एंगल उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे शाफ्ट जो है ना रिब की बेंड करती है शार्पली फॉरवर्ड। ये हमारे पास होगी रिब की शाफ्ट। ठीक है, ये शाफ्ट जो है ना बेंड कर रही है फॉरवर्ड। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, एंगल ऑफ द रिब का। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमने देखना है एटिपिकल। एटिपिकल जो है ना कौन कौन सी रिब होती है, फर्स्ट, सेकेंड, इलेवेंथ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। ये हमारे पास चार रिब्स जो बन रही होती हैं, इन्हें हम एटिपिकल रिब कह रहे होते हैं। ठीक है, इनके जो फीचर्स होते हैं वो बाकी रिब्स के निस्बत सारों के डिफरेंट होते हैं। चारों रिब्स के जो फीचर होंगे वो चारों के डिफरेंट होंगे। ठीक है, सेम फीचर नहीं होंगे लाइक टिपिकल रिब्स। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले रिब वन की। रिब वन में जो है ना क्या होता है, एक शॉर्टर होती है और वाइडर होती है देन दी अदर रिब। ठीक हो गया, ये शॉर्टर होगी और वाइडर होगी। इट ओनली हैज वन फेसेट। इसका जो फेसेट होता है आर्टिकुलेशन के लिए विद द कोरस्पोंडिंग वर्टिब्रल बॉडी वो सिर्फ एक होता है। ठीक है, उसके साथ ये जो है ना वर्टिब्रल बॉडी के साथ जो है ना ये ज्वाइंट बना रही होती है। द सुपीरियर सर्फेस इज मार्क बाई टू ग्रूव। ठीक है, सुपीरियर सर्फेस पे उसके जो है ना टू ग्रूव होते हैं विच मेक वे फॉर द सब क्लेवियन वेसल्स। सब क्लेवियन वेसल में जो है ना सब क्लेवियन आर्टरी और सब क्लेवियन वेन जो है ना इन टू ग्रूव के अंदर से गुजर रही होती हैं। रिब टू देखें तो ये होती है थिनर एंड लॉन्गर देन फर्स्ट रिब। ठीक है, इसके जो आर्टिकुलेशन के लिए फेसेट होते हैं वो हमारे पास दो फेसेट होते हैं नॉर्मली। इसका जो अपर सरफेस होती है वो रफेंड होती है जहां से जो है ना सीरेटस इंटीरियर मसल ओरिजिनेट कर रहा होता है। ये हमारे पास होगी रिब्स टू के वाले से। अब रिब्स टेंथ को देखें तो इसका भी सिर्फ एक फेसेट होता है लाइक रिब वन। ठीक है, फॉर आर्टिकुलेशन विद इट्स न्यूमेरिकली क्रॉस्पॉन्डिंग वर्टिब्री। रिब 11 एंड 12 जो है ना उसकी नेक नहीं होती। ठीक है, एंड ओनली कंटेन वन फेसेट विच इज फॉर आर्टिकुलेशन विद देयर कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी। जब इनकी नेक जो है ना नहीं होती, सिर्फ जो है ना इनका जो हेड होता है वो एक फेसेट कंटेन कर रहा होता है, कोई इस पे जो है ना ट्यूबरकल वगैरह नहीं होती और ना ही इसके साथ जो है ना कार्टिलेज जोड़ का स्टर्नम के साथ लग रही होती है। इस वजह से इनको फ्लोटिंग रिब भी कहते हैं। ये हमारे पास होगी एटिपिकल रिब्स के हवाले से। अब नेक्स्ट इसके ज्वाइंट्स की बात करें तो ज्वाइंट्स में जो है ना, अब हेड ऑफ द रिब का ज्वाइंट में देखें तो क्या होता है, द फर्स्ट रिब एंड द थ्री लोएस्ट रिब। थ्री लोएस्ट रिब कौन सी है, 10th, 11th एंड 12th। ये रिब जो है ना सिंगल सोनोवल ज्वाइंट से ज्वाइंटेड होती हैं या आर्टिकुलेटेड होती हैं विद देयर कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रल बॉडी। ठीक हो गया, फॉर देन सेकेंड टू नाइन्थ रिब, दूसरी से लेकर नाइन्थ रिब तक जो है ना हेड आर्टिकुलेट होता है बाय मीन्स ऑफ अ सोनोवल ज्वाइंट विद द कोरस्पॉन्डिंग बॉडी एंड दैट ऑफ द वर्टिब्रा अबव इट। ठीक हो गया, नेक्स्ट इसमें देयर इज अ स्ट्रॉन्ग इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट दैट कनेक्ट द हेड टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इसमें जो है ना इंट्रा आर्टिकुलर लिगामेंट होगा जो कि स्ट्रांग होता है, जो कि कनेक्ट कर रहा होता है हमारे पास जो रिब का हेड होता है टू द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट जो है ना ज्वाइंट्स ऑफ द ट्यूबरकल की बात करें तो ज्वाइंट्स ऑफ द ट्यूबरकल में देखें, रिब जो है ना आर्टिकुलेट करती हैं बाय मींस ऑफ अ सिनोवियल ज्वाइंट विद द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द कोरस्पोंडिंग वर्टिब्रल बॉडी। ठीक हो गया, अब जो इनका जो हेड के फेसेट होते हैं वो
हमारे पास वर्टिब्री की जो बॉडी होती है उसके साथ जॉइंट बना रहे होते हैं, और ये जो हमारे पास ट्यूबरकल है ये ट्रांसफर प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्री के साथ ये जो है ना जॉइंट बनवा रहा होता है। दिस जॉइंट इज एब्सेंट ऑन द 11th एंड 12th रिब, क्योंकि वहां पे जो है ना ट्यूबरकल जो है ना वो प्रेजेंट नहीं होते, इस वजह से वहां पे ये एब्सेंट होगा, बाकी सारी रिब्स में ये प्रेजेंट होगा। अगर हम इसकी मूवमेंट की बात करें, मूवमेंट ऑफ द रिब और कार्टिलेज में, तो सबसे जो पहली रिब होती है वो उसकी जो मूवमेंट होती है वो इमोबाइल होती है, उसमें मूवमेंट बिल्कुल ही जीरो होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो बोनिफिकेशन है वो फिक्स होती है और कॉस्टल कार्टिलेज फिक्स बना रहा होता है ज्वाइंट विद द मोनोब्रियम, एंड इस वजह से जो है ना इसे इमोबाइल ज्वाइंट कहते हैं, ठीक है। और फर्स्ट रिब इस वजह से जो है ना मूव नहीं कर सकती। सेकंड, इसकी जो बाकी रिब्स होती हैं उनका जो फंक्शन होता है वो रेजिंग और लोअरिंग होती है रिब्स की ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन के दौरान बाकी सारी रिब्स जो है ना ऊपर नीचे होती हैं ताकि जो डायफ्राम है वो एक्सपेंड कर सके और हवा जो है ना अंदर बाहर इजली जो है ना आ जा सके, ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गई रिब्स के जो है ना मूवमेंट जिसके रिजल्ट में रिस्पायरेशन जो है ना अकर हो रही होती है। याद रखें ये जो फर्स्ट रिब है वहां पे ये मूवमेंट बिल्कुल ही जीरो होती हैं, फर्स्ट रिब इमोबाइल रिब है। थैंक यू सो मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू।